राइट, और आप लोगों ने भी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, एम आई राइट और नॉट? यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट ए टू जेड टुगेदर। आज हम ए टू जेड पूरा लिखना सीखेंगे, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या आता है चिल्ड्रन? ए, है ना? ए फॉर एप्पल। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन एंड देन अ स्लिपिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड ए। व्हाट कम्स आफ्टर ए? बी, बी फॉर बलून, राइट? इसके लिए क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व लाइन एंड वन मोर कर्व, दैट इज बी, बी फॉर बलून, बी फॉर बॉल। ए बी, अभी क्या आएगा? सी, सी के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट लाइन से ऐसे छोटा सा कर्व बना देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन से लेके ऐसा टर्न करके कर्व कर देंगे। तो ये बन गया हमारा सी, सी फॉर कैट। अभी सी के बाद क्या आएगा? डी, डी में क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन अ कर्व फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड लाइन, दिस इज अवर डी। क्या करेंगे सबसे पहले? स्टैंडिंग लाइन एंड देन ऊपर से लेके ऐसे टर्न करती हुई ये कर्व लाइन बना देंगे। तो ये बन गया हमारा डी फॉर डॉग। अभी क्या आएगा? ए बी सी डी देन ई, ई फॉर एलिफेंट। कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड देन हियर आल्सो स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा ई फॉर एलिफेंट। क्या बन गया? ई फॉर एलिफेंट। अभी क्या लिखेंगे? एफ, एफ के लिए क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और यहां पे भी एक स्लीपिंग लाइन, टू स्लीपिंग लाइंस, राइट? दिस इज ई, दिस इज एफ। एफ के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ। अभी क्या आएगा? जी, जी फॉर गन, जी फॉर गोट। तो कैसे लिखेंगे? जी के लिए हम सबसे पहले ऐसे सी बनाएंगे, राइट? फिर ऊपर ले जाएंगे ये लाइन को, छोटी सी स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, राइट? तो ये बन गया हमारा जी। अभी क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच फॉर हॉर्स। एच कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एक, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, वन मोर स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस। अभी क्या आएगा? एच आई, आई फॉर आइसक्रीम, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्लीपिंग लाइन। उसकी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में स्लीपिंग लाइन होती है, बीच में आती है, दोनों को कनेक्ट करती स्टैंडिंग लाइन, दैट इज अवर आई। अभी क्या आएगा? जे, एच आई जे, जे फॉर जोकर। क्या करेंगे उसके लिए? स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और उसके सेंटर से एक स्टैंडिंग लाइन करके नीचे लाते लाते उसको टर्न करेंगे और ये थर्ड लाइन तक, सेकंड लाइन तक ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा जे फॉर जोकर। अभी क्या आएगा? एच आई जे के, के फॉर काइट। उसके लिए क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन, दैट इज अवर के, के फॉर काइट। उसके बाद क्या आएगा? एल, एल फॉर लायन। तो क्या करेंगे उसके लिए? स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, राइट? स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा एल, एल फॉर लायन। अभी क्या आता है एल के बाद? सो एच आई जे के एल। अभी क्या आएगा? एम, एम के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? वी विल मेक अ स्लैंडिंग लाइन, देन वी विल
मेक अ स्लैंटिंग लाइन, वही स्लैंटिंग लाइन को ऊपर ले जाएंगे और फिर वन मोर स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा एंड। अभी क्या आएगा एंड, एंड फॉर नोज, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा एंड। अभी एंड के बाद क्या आता है एल एम एन, फिर क्या आएगा ओ, ओ कैसे लिखेंगे, यहां ऊपर से लेके टर्न करते हुए लाइन को फिर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया हमारा ओ फॉर ऑरेंज। ओ के बाद क्या आता है पी, पी फॉर पैरट, उसके लिए क्या करेंगे स्टैंडिंग लाइन फिर ऐसे छोटा सा हाफ सर्कल राइट, तो ये बन गया हमारा पी। पी के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर पी, क्यू, क्यू कैसे बनते हैं, तो पहले हम ऐसे ही ओ लिख देंगे राइट, ऐसे ओ लिख दिया, अभी हम बना देंगे एक छोटी सी क्रॉस लाइन, तो ये बन गया हमारा क्यू, व्हाट कम्स आफ्टर क्यू, ओ पी क्यू, नाउ आर, अभी क्या आएगा आर, तो कैसे लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, अभी पी लिखा हमने वैसे ही ऊपर एक हाफ सर्कल बना देंगे, ये पी बन गया, अभी पी में से हम बनाएंगे आर, यहां से हम एक क्रॉस लाइन बना देंगे, तो ये बन गया हमारा आर, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोशनी मैम राइट। अभी क्या आएगा आर के बाद ओ पी क्यू आर, नेक्स्ट इज एस, एस फॉर सन, तो कैसे लिखेंगे, यहां से ऊपर की लाइन से ऐसे टर्न करता हुआ एक कर्व बनाएंगे, वही कर्व लाइन को ऐसे एक्सटेंड करके ये थर्ड लाइन से ऊपर ले जाएंगे। आई होप आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस करके एस लिखना अच्छे से सीख लिया होगा, तो एस के बाद क्या आता है आर एस टी, टी फॉर टाइगर, कैसे लिखेंगे एक स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा टी फॉर टाइगर। क्या आएगा अभी, व्हाट कम्स आफ्टर टी, पी क्यू आर एस टी यू, यू कैसे लिखेंगे एक स्टैंडिंग लाइन करते करते लाइन को टर्न करते करते ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे कर्व करके, तो ये बन गया हमारा यू। यू के बाद क्या आएगा वी, वी फॉर वायलिन, कैसे लिखेंगे एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे राइट, और उसी स्लैंटिंग लाइन से ऊपर तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, तो ये बन गया हमारा वी, वी फॉर वायलिन। तो क्या आएगा अभी वी के बाद यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या लिखेंगे सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन ऊपर ले जाएंगे वही लाइन को, वही लाइन को फिर से नीचे लाएंगे एंड वन मोर टाइम अप, ये बन गया हमारा W, W फॉर वॉच, तो U, V, W, अभी क्या आएगा X, X फॉर क्रिसमस ट्री, स्लैंटिंग लाइन और वही स्लैंटिंग लाइन को ऐसे क्रॉस करती हुई दूसरी स्लैंटिंग लाइन, तो ये बन गया हमारा X फॉर क्रिसमस ट्री, U, V, W, X, अभी आएगा Y, Y कैसे लिखेंगे छोटा सा ऐसे V बना देंगे और उसके नीचे ऐसे टेल बना देंगे स्टैंडिंग लाइन वाली, तो ये बन गया हमारा Y, X, Y, what is the last alphabet? Yes, it's a Z, Z for zebra, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे एंड देन वन मोर स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया हमारा Z। सो चिल्ड्रन आज हमने क्या लिखना सीखा A to Z,
तो अगर आप बीच में कहीं पे अटक जाते हो तो आप पूरी एबीसीडी को ऐसे याद करोगे तो आपको बीच के सारे अल्फाबेट्स भी याद आ जाएंगे। सो आपको अभी घर पे भी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू राइट ए टू जेड। और नेक्स्ट टाइम हम और भी बहुत सारे मजेदार वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। सो टिल देन